हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसके कुछ पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, फिर इस मॉडल में क्या लिमिटेशंस रही उसको समझेंगे और अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एक बार आप इसे जरूर देखें। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है, केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी है, तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है। An atomic model shows the structure of an atom and the arrangement of subatomic particles in an atom. तो जो atomic model होता है, उससे हमें atom की structure के बारे में पता चलता है और जो उसमें subatomic particles present होते हैं, उनका arrangement किस तरीके से होता है, ये समझ में आता है। Thomson's atomic model. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. तो एटम की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए J.J. Thomson ने सबसे पहले एक मॉडल प्रस्तुत किया। J.J. Thomson discovered the electron by experimenting with a crux or cathode ray tube. तो जो J.J. Thomson है, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। He proposed the atomic model before the discovery of proton and atomic nucleus. तो जब उन्होंने अपना ये मॉडल दिया था, तब तक प्रोटॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज नहीं हुई थी। He compared the atom to a jelly having the red plums embedded on it, or to a red watermelon with black seeds on it. This model was also known as watermelon or plum pudding model of the atom. तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, उसे किससे कंपेयर किया गया और उसके दूसरे नाम क्या है, ये आपको याद रखना। कंपैरिजन किस तरीके से होता है, इसे हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी कंपेयर टू क्रिसमस पुडिंग, वेयर इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो जे जे थॉमसन के अनुसार क्या था कि इन्होंने एक परमाणु की जो संरचना है, उसकी तुलना एक क्रिसमस केक से की, जहाँ उन्होंने जो ये गोलाकार वाला क्षेत्र है, इसे तो क्या कहा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं जैसे क्रिसमस केक में सूखे मेवे लगे होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्रिसमस पुडिंग के साथ इसका कंपैरिजन किया, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। According to J.J. Thomson, the structure of an atom can be compared to watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are scattered in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. तो जो J.J. Thomson का परमाणु मॉडल था, उसकी तुलना तरबूज से की जा सकती है। यहाँ पे जो तरबूज का ये रेड रेड कलर वाला पार्ट है, जो जिसे हम खाते हैं, ये वाला पार्ट को ऐसे माना गया कि जो इसमें एटम में पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो इस तरीके से चारों तरफ फैला होता है। और जिस तरीके से तरबूज में बीच में यहाँ पे आप बीज देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो इस तरीके से जे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की तुलना वाटरमेलन से की गई। नेक्स्ट हम समझते हैं कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बात कही थी। सबसे पहले, एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है, वो एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे हुए होते हैं। An atom is neutral because the positive and negative charge are equal in magnitude. और जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये मैग्नीट्यूड में यानी आवेश में एक दूसरे के समान होते हैं, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा एटम होता है, ये न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। The mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. और जो पूरे एटम का मास होता है, वो uniformly distributed होता है, मतलब एक समान रूप से सभी ओर वितरित होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की क्या लिमिटेशन रही, उसे हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। हाउएवर इट वॉज लेटर फाउंड दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिजाइड एट द सेंटर ऑफ द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
जो थॉमसन थे उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में ये कहा कि जो परमाणु होता है वो एक धनात्मक आवेशित क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो धनावेशित कण होते हैं वो तो क्या परमाणु के केंद्र में सेंटर में होते हैं जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, जो थॉमसन का मॉडल था उसने परमाणु की उदासीनता के बारे में तो एक्सप्लेन किया, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने और कई एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनके जो रिजल्ट्स थे वो इस मॉडल से नहीं समझाए जा सके, इसलिए जो ये मॉडल था रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाई वाज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड, तो इसमें जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो फेल क्यों हुआ उसका कारण पूछ रहा है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा था कि इसमें एक धनात्मक क्षेत्र होता है जिसमें जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए होते हैं, जबकि बाद के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक तो इस वजह से ये जो मॉडल था वो फेल हुआ था। सेकंड है, इट डिड नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो इस इनके जो मॉडल था उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में भी कोई बात नहीं की गई थी। थर्ड है, इट एक्सप्लेन द एटम एज अ होल टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसने जो एटम उदासीन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, तो इस वजह से तो फेल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है और सेकंड है ये दोनों रीजन सही हैं जिस वजह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंटेशन विद कैथोड रे ट्यूब टू द डिस्कवरी ऑफ, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। इसमें पूछा है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी। तो हमें पता है एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये थॉमसन ने की थी, इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम कॉल्ड, तो इसमें हमसे जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसका दूसरा नाम क्या है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए है प्लम पुडिंग मॉडल, हमने इस बारे में पढ़ा है, यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सोलर सिस्टम मॉडल नहीं है, स्फेरिकल मॉडल नहीं है, मॉडल ऑफ एटॉमिक थ्योरी नहीं है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसे प्लम पुडिंग मॉडल या फिर जो वाटरमेलन से कंपेयर किया गया था, तो इसलिए इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।